दोस्तों कबाड़ जैसा भी हो, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो या फिर टीन के इस तरह के कंटेनर, जी हाँ टीन मतलब लोहे के भाई, उसमें होल्स तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि होल्स करने बहुत आवश्यक होते हैं। अगर आप होल्स नहीं करेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनेगा, प्लांट्स हो जाएंगे ख़राब। और इसको तो हमने वैसे भी हैंगिंग प्लांटर बनाना है, तो साइड में भी इसमें हमने दो दो होल कर दिए तीन स्पॉट पे। अब देखिए मेरे पास ये इस तरह के मिल्क के काफ़ी कंटेनर पड़े हुए हैं, तो सोचा क्यों ना इससे आज प्यारा सा एक DIY बनाया जाए। और प्यारा सा DIY भी दोस्तों, हैंगिंग मंकी प्लांटर्स, या फिर हम कह सकते हैं मंकी प्लांटर झूमर, जी हाँ आप कुछ भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, पर लगेगा प्यारा, गार्डन को सजाएगा ज़रूर, आपको खुश करेगा ज़रूर, आपके घर पे, आपके गार्डन पे आने वालों को भी खुश करेगा ज़रूर। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को RK का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ आपके अपने अर्थ एंड लीव्स चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका मित्र RK हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो हम मंकी हैंगिंग प्लांटर या झूमर बनाने जा रहे हैं, उसमें 4 कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 4 प्यारे प्यारे कंटेनर उसमें हम यूज़ करेंगे, और हमेशा की तरह आइए पहले इनको कलर कर लेते हैं। और कलर कम्बिनेशन रखेंगे हम 2, आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो रेड की जगह कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पीले को भी चेंज कर सकते हैं, भाई पसंद आपकी, पसंद अपनी अपनी। देखिए हमने इनको पेंट कर लिया, अब हम इस बाल्टी को देखिए, ये प्लास्टिक की पेंट बकेट है, इससे हमने ऊपर का पार्ट इसका कट कर लिया, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं ना अपने हैंगिंग प्लांटर में। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा नया बना देते हैं, बड़ी खस्ता हालत है इसकी, काफ़ी गंदा लग रहा है ये, तो पेंट करके इसको भी नए कपड़े पहना देते हैं। अब देखिए ये पुरानी इलेक्ट्रिक वायर है, और जो ख़राब हो चुकी है, जो शॉर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब हमारे लिए तो काम की नहीं है, आइए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने प्लांटर्स को हैंग करने के लिए। 3 तरह के हमने इसमें होल किए हैं, 3 साइड होल किए हैं, तो इसमें हम 3 हैंगिंग स्ट्रिप लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। वायर का सिलेक्शन मैंने इसलिए किया है, एक तो मेरे पास ये यूजलेस पड़ी थी, सबसे बड़ा कारण तो यूजलेस पड़ी थी, और मित्रों हमारा तो काम यही है कबाड़ को, यानी कि यूजलेस आइटम को यूजफुल बनाना और गार्डन में सजाना। अब देखिए हमने इसके 3 टुकड़े कर करके अलग इसको बांधा है, और उसके बाद ऊपर से टाई कर लिया, ताकि इसका बैलेंस बना सकें, हैंग करने पे ये टेढ़ी मेढ़ी ना लटके, और कहीं पे भी ज़रूरत है तो उसके ऊपर वाली जो टाई है उसको खोल के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए हम सारे प्लांटर को इस तरह से टाई करके बांध देंगे, और ऊपर से हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से सारी वायर कट हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली कट हैं, तो आप खोल के उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नीचे वाली गांठें खोलनी पड़ती, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता और काफ़ी मुश्किल भी होता। तो देखिए हमने अपने 4 कंटेनर को इस तरह से टाई कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारे 4 कंटेनर तैयार हो चुके हैं प्लांटर बनके। अब बारी आ गई छेड़छाड़ करने की इस प्लास्टिक के रिंग में, आइए इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं। देखिए हमने इसमें ये 4-4 होल बना लिए हैं, करीब करीब 6-6 इंच के गैप पे, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उसको बराबर दूरी पर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें हम टाई करेंगे अपने प्लांटर्स। ये देखिए हमने टॉप में होल किए हैं, जस्ट इसके अपोजिट बॉटम में भी होल कर लीजिए, और इसी प्रकार साइडों में दोनों तरफ आप होल कर लीजिए, ताकि हम अपने प्लांटर्स को ठीक तरीके से टाई कर पाएँ। अब देखिए इसको हमने एक पोल पे हैंग कर लिया है, आप चाहें तो इसको किसी वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का एरिया उपलब्ध है।
अब हमने इसके देखिए पोल पे बांध दिया है। अब हम इसमें प्लांटर अटैच करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो ऊपर की हमारे तार की जो टुकड़े खुले हुए थे उससे हमने इसको टाई करना शुरू किया है। देखिए पहले हमने ये दो प्लांटर इस पे लगा दिए हैं और इसका बैलेंस बिल्कुल मेंटेन्ड है। दो प्लांटर हमारे ये लग चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह का हैंगिंग प्लांटर या झूमर बनाने के लिए हमें उसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज हम उस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमें टांग कर ही कहीं पे काम करना चाहिए, अदरवाइज आप उस पे किसी तरह का कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमने चारों अपने कंटेनर भली प्रकार से इस पे बांध दिए हैं और लगा दिए हैं। अब चारों की प्लेसमेंट ठीक ठाक हो चुकी है। अब देखिए एक और बेकार सा कबाड़ जिसको आप फेंक देते हैं, ये है सिलेंडर से अटैच जो आपकी रबड़ पाइप होता है जो आपके चूल्हे में अटैच होता है, वो पाइप है जो कि खराब हो चुका था, गल चुका था, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। दोस्तों अब इस पाइप को हमने बराबर हिस्से में 6 इंच 7 इंच जो भी आप रखना चाहें हमने काट दिया है और ऊपर से देखिए इस पाइप को कट कर कर शेप बना दी है ताकि जब इसको हम लगाएं तो ये इस पे ढंग से बैठ पाए। और देखिए वही हमारी MS वायर है जो कि हम लेंटर में सरिये बांधने में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वायर होती है, उसके थ्रू देखिए हमने अपने इस कंटेनर पर लगा दिए इसके लेग्स। जी हाँ, ये बन गए इसके पैर, क्योंकि हम ये बनाने जा रहे हैं प्यारा सा क्यूट सा मंकी प्लांटर। जी हाँ, मंकी हैंगिंग प्लांटर या फिर झूमर कह लीजिए आप। अब देखिए इस एक चीज़ मैंने इसमें और ऐड कर दी दोस्तों, ये जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन हैं ये मैंने रिंग पे लगा दिए, क्योंकि रिंग का जो हमारा साइज है काफ़ी पतला है और पतला होने की वजह से भाई थोड़ा कम विजिबल होता है ये। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर मैं इस पे ढक्कन लगा देता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों आप देख रहे हैं हम क्या बना रहे हैं। ये हमने अगेन प्लास्टिक की बोतल का पार्ट यूज़ किया है और उससे हम बना रहे हैं मंकी के पंजे। जी हाँ मित्रों, मंकी के पंजे। अब देखिए कितने प्यारे पंजे बन गए हैं। ये देखिए हर मंकी के हाथ पे ये हाथ हम अटैच करेंगे, या इसको पंजे बोलें तो ये पंजे अटैच करेंगे। अब लगने के बाद कैसे लगेंगे वो तो आप देखकर ही बताना कि कैसे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारे मंकी के सारे पंजे बनके तैयार हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है लेकिन बन तो अच्छे गए हैं, आपको भी पसंद आ रहे होंगे। अब इनको रखते हैं साइड पे और करते हैं अगला काम। अगला काम ये है कि जो हमने ढक्कन निकाले थे उन ढक्कन को उस रिंग पे अटैच करते हैं। तरीका वही है, पुराना तरीका तार से अटैच करना, रिंग में कर दिए होल, बड़े आराम से हो गए। छोटी सी कैंची है उससे ही कर दिए, सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये देखिए किस तरह से हमने होल किए हैं, बड़े प्यार से होल जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर या जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वायर लीजिए और इस वायर के थ्रू हम इन ढक्कन को इस पे अटैच कर देंगे। जब आप वायर को अटैच करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि वायर को ज़्यादा टाइट ना करें, अदरवाइज़ आपके ढक्कन मुड़ जाएंगे। तो हल्का सा लूज़ रख के इसको हल्का टाइट रखें तो ढक्कन आपके सीधे स्टे कर जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों हमारे ढक्कन भी लग गए हैं। दोस्तों इस DIY को बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगा। 2 दिन का समय का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरा 2 दिन इस पर काम किया है, मैं 2-2 घंटे 2 दिन काम किया है, मतलब 4 घंटे में ये बनके तैयार हुआ है। अब देखिए इस पे बनाते हैं हम अपने प्यारे से क्यूट से मंकी फेसेस। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पे कोई पहले से पेंसिल या उससे मार्क नहीं किया,
मैं डायरेक्ट ब्रश से कर रहा हूँ, डायरेक्ट ब्रश के थ्रू इसको बना रहा हूँ। आप चाहें तो किसी ड्राइंग को कॉपी करके पहले उस पर पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। ये देखिए हमारे प्यारे से क्यूट से मंकी फेस बनके तैयार है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कमेंट ही तो हमें बूस्टअप करती है। और इस तरह के प्यारे प्यारे DIY बनाने के लिए उत्साहित भी करती है। आप देखिए दो मंकी फेसेस बन चुके हैं, बाकी बनाने हैं दो और। भाई मैं तो थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ, हो सकता है आपको टाइम लगे या फिर आप इससे भी कम समय में बना लें अगर आपने बचपन में ड्राइंग की है। और नहीं भी की है ना दोस्तों, बना तो तब भी लेंगे आप। YouTube पे सर्च मारिए, मंकी फेस देख लीजिए, देख के बना लीजिए। या फिर कई तरीके हैं बनाने के, बना डालिए बस, सोचिए मत। अब देखिए कितने प्यारे प्यारे ये मंकी फेसेस बन के तैयार हो रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें हम कलरिंग करेंगे, इसमें कलर भरेंगे, ये और भी सुंदर नज़र आएंगे। तो जब भी हम गार्डन बनाते हैं या फिर टेरेस गार्डन बनाते हैं या बालकनी गार्डन बनाते हैं, पेड़ पौधों के साथ साथ इस तरह की चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपका गार्डन सस्ता है, तभी तो आपका गार्डन चमकता है, तभी तो लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। खाली पेड़ पौधों से आप एक कंप्लीट टेरेस गार्डन नहीं बना सकते। भाई इस तरह से प्यारे प्यारे DIY बनाइए और खुद बनाइए, तभी तो अच्छा लगता है, तभी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका और अपने आप को सबसे पहले खुशी मिलती है। बाद में किसी और को आप देखिए कि किस तरह प्यारे प्यारे बर्ड्स हमारे गार्डन में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों बर्ड्स की हमारे गार्डन में भरमार है, जैसे कि आपको वीडियो में साउंड भी लगातार सुना रही होगी। साउंड जो है बर्ड्स की, मैं उसको बहुत कम स्किप करता हूँ क्योंकि बर्ड्स की साउंड तो बहुत प्यारी लगती है दोस्तों। अब देखिए मैंने इस पे इनके पंजे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। अब जो पंजे हैं वो अगेन हम MS वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे वो परमानेंटली फिक्स होने वाले हैं, कभी भी नहीं हिलने वाले या निकलने वाले। हमारे टेरेस गार्डन में पेड़ पौधों के अलावा इस तरह के प्यारे प्यारे DIYs तो होने ही चाहिए, पर साथ में भाई बर्ड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा गार्डन कंप्लीट बनता है। अगर बर्ड्स की चर्पिंग, उसकी चहचहाट आपके कानों में पड़ती रहे और आप गार्डन में विचरण करते रहें तो उसकी तो बात ही कुछ और है। और दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, हमारा जो गार्डन का परिवार है वो और बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ गोरैया चिड़िया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है जो कि पूरा दिन चहचहाट करते रहते हैं, जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे। दोस्तों हमारे गार्डन में अगर प्यारे प्यारे प्लांट्स हों और उसमें सुंदर सुंदर और खुशबूदार फ्लावर्स के लिए हों और साथ में वेजिटेबल्स भी कुछ लगी हों और उसके साथ इस तरह के बर्ड्स भी उसमें हों, तो गार्डन की बात ही कुछ और होती है, गार्डन का मिजाज ही कुछ और होता है। आप कंप्लीटली नेचर से टच कर लेते हैं, नेचर का अनुभव करते हैं आप। और दोस्तों वही तो लाइफ है, अगर आप नेचर से जुड़ गए तो समझ लीजिए आपकी आधी टेंशन छू हो जाएगी, उड़न छू हो जाएगी। जी हाँ, और आधी टेंशन जब आपकी उड़न छू हो जाएगी ना, तो समझ लीजिए आधी बीमारियाँ भी ख़त्म। जी हाँ, आपको एक अनूठी खुशी जो मिलती है, एक अनूठा अनुभव जो मिलता है। अब देखिए हमारे ये पूरे मंकीज बन चुके हैं, पंजे भी लग चुके हैं और फाइनली हमने इसको हैंग भी कर दिया है। अब देखिए ये कैसे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मित्रों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करना और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और जो जो मेरे मित्र नए सिरे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली में नई नई एंट्री कर रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब करना चाहें
तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप देखिए, जैसे ही आप गार्डन में एंट्री करेंगे, ये प्यारे प्यारे क्यूट से छोटे छोटे मंकी आपका स्वागत करेंगे और आपके मित्रों का भी स्वागत करेंगे। और गार्डन में तो देखिए सुंदरता में इन्होंने कितनी बढ़ोतरी कर दी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए और प्यारे से DIY के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपने दोस्त RK को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं दोस्तों।